Astonim guys, this is Fahad Fahad Ahmed and welcome to my YouTube channel. नई वीडियो के साथ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और नए देखने वालों से गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। गाइस आजकल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पाकिस्तान में भी मैचेज हो रहे हैं, काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में दोबारा मैचेज बहाल हुए हैं, इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आई हुई है इंग्लैंड की और 7 मैचों की सीरीज यहाँ पर T20 की पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड चल रही है। इन अभी तक दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस हो चुके हैं, आज चौथा मैच है और 2 मैच इंग्लैंड जीता है और 1 मैच पाकिस्तान जीता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जहर बहस होती हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है जो कि डिस्कस हो रही होती है लेकिन बेसिकली इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, जैसे कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, बैटिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग इकोनॉमी क्या होती है, ये सब चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्ट्राइक रेट, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग इकोनॉमी, बॉलिंग एवरेज क्या चीज़ होती हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले गाइस कि स्ट्राइक रेट क्या होता है। स्ट्राइक रेट मींस कि एक बैट्समैन 100 बॉल्स खेलकर ऑन एन एवरेज कितने रन्स बनाता है, ये चीज़ उसका स्ट्राइक रेट कहलाता है कि हम उसकी जो उसने बॉल्स खेली हैं और जो उसने रन बनाए इनको कंपेयर करते हैं और स्ट्राइक रेट को निकाल लेते हैं। और अगर बैट्समैन कम बॉल खेलकर ज़्यादा रन बनाता है इट मींस कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है और वो एक अच्छा प्लेयर है, और अगर वो ज़्यादा बॉल खेलकर कम रन बनाते हैं इट मींस कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। जैसे कि आजकल T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जा रही है तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट को देखा जाता है और जिस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा होता है उसे अच्छा बैट्समैन तसव्वुर किया जाता है, उनकी रैंकिंग भी इसी तरीके से होती है। बैटिंग एवरेज जो कि लोगों के जहन में है, जो कि मेरे भी जहन में यही था जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक बैट्समैन ने अगर जितने मैचेस खेले हैं और हम डिवाइड करते हैं कि उसने कितने रन बनाए तो हमारे पास उसका बैटिंग एवरेज आ जाता है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है। बैटिंग एवरेज मीन्स कि एक बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं डिवाइड बाय वो कितनी बार आउट हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक बैट्समैन ने 500 रन बनाए हैं 10 मैचेस के अंदर और अगर हम मैचेस को डिवाइड करते हैं उसके रन से तो 50 रन की उसकी एवरेज आ जाएगी, यानी कि एक मैच में उसने उसकी एवरेज है 50 रन की, लेकिन बेसिकली ये सही नहीं है। जो कैलकुलेशन की जाती है वो इस तरीके से की जाती है कि 500 रन उसने कितने मैचेस में बनाए हैं। हो सकता है कि जो उसने 10 मैचेस खेले उसके अंदर से वो 3 मैचेस में नॉट आउट रहा हो, 2 मैचेस में नॉट आउट रहा हो, या उसकी बैटिंग इसकी बैटिंग ही नहीं आई हुई हो। तो बेसिकली जो हम बैटिंग एवरेज निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि उसने टोटल रन कितने बनाए हैं डिवाइड बाय कि वो कितनी मरतबा आउट हुआ है। 10 मैचेस के अंदर से उसने टोटल 5 मैचेस खेले हैं और टोटल 500 रन बनाए हैं तो उसका एवरेज निकलेगा 500 डिवाइड बाय 5 मैचेस, यानी कि 100 रन पर मैच का उसका एवरेज निकलेगा। और ICC में जो बैट्समैन की रैंकिंग चल रही होती है वो इसी बेस पे चल रही होती है कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है और बैट्समैन का एवरेज क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ें पता चल गई होंगी कि स्ट्राइक रेट हम किस तरीके से निकालते हैं और बैटिंग एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं और इसी बेसिस के ऊपर बैट्समैन की रैंकिंग हो रही होती है, आया कि वो फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है या फोर्थ पर है। अगर हम बात करें बॉलिंग एवरेज की तो बॉलिंग एवरेज बिल्कुल बैटिंग एवरेज के अगेंस्ट होता है, यानी कि अगर किसी बैट्समैन का बैटिंग एवरेज अच्छा है और स्ट्राइक रेट अच्छा है तो वो अच्छा बैट्समैन है, और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो अगर बैट्समैन का बॉलिंग एवरेज कम है, इकोनॉमी रेट कम है तो इट मीन्स कि वो अच्छा बॉलर है। बॉलिंग एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं कि एक बॉलर ने कितने रन दिए हैं डिवाइड बाय उसने कितने विकेट्स हासिल किए हैं, इस तरीके से एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज निकाला जा सकता है। और इसी तरीके से हम अगर बात करें बॉलिंग के इकोनॉमी की तो इकोनॉमी मीन्स अगर हम बात करें और हम निकालना चाहें कि इस बॉलर का इकोनॉमी रेट क्या है तो इट मीन्स कि उस बॉलर ने ऑन एन एवरेज एक ओवर में कितने रन दिए हैं, यानी कि अगर वो बॉलर 3 से 4 ओवर कराता है तो वो कितने रन देता है, इस तरीके से हम उसका इकोनॉमी रेट निकाल सकते हैं। बैट्समैन के लिए एवरेज स्ट्राइक रेट अच्छा होना बहुत जरूरी है अच्छे बैट्समैन के लिए, और बॉलर के लिए एवरेज और इकोनॉमी रेट कम होना ज़्यादा अच्छा है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है क्रिकेट की और बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है वो आपको समझ आ गई होंगी, और इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड और दूसरी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कहीं भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नए वीडियो तक के लिए फहाद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।